दुर्गापुरा विद्यालय में कार्यशाला आयोजित हुई। शांतिलाल सोलंकी ने बताया कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दुर्गापुरा ब्लॉक देसोरी जिला पाली में भारतीय फाउंडेशन देसोरी के तत्वाधान में जयदीप वैष्णव जयपुर एवं रजनीश प्रिया द्वारा अध्ययनरत छात्र छात्राओं को समय प्रबंधन कार्यशाला के अंतर्गत शिक्षा के क्षेत्र में समय का महत्व के बारे में जानकारी दी गई। शिक्षा में उत्पन्न व्यवधान करने वाले मोबाइल व्हाट्सएप फेसबुक की जानकारी दी गई। वर्तमान में छात्र छात्राओं को शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। भारतवर्ष में भारतीय फाउंडेशन शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रही है, जिसमें भारतीय फाउंडेशन द्वारा गरीब बच्चों के लिए निःशुल्क विद्यालय संचालित है। इस कार्यशाला में ललित कुमार पंकज कुमार पुरोहित एवं कक्षा दशम व बारह के छात्र छात्राएं उपस्थित थे। आज की जो हमारी बात शुरू है भारतीय फाउंडेशन की तरफ से, हमारे जो प्रशिक्षक हैं, जो निर्देशक हैं, वो है जयदीप जी सर और रणजीत जी सर। भारतीय फाउंडेशन के लिए बहुत ही योग्य और एमिनेंट फेमस जो प्रशिक्षक हैं, ये आपकी समय प्रबंधन की जो समस्या हमारे निजी जीवन में रहती है, जिसकी वजह से हम समय के अभाव के कारण हमारी योग्यता में विस्तार नहीं कर पाते, या हमें समय को कैसे प्रबंधित करना है जो कि हमारे लिए उपयोगी रहे और हमारे जीवन के उपयुक्त विकास के लिए वो समय हमारा सहयोगी बने, उन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ से आज बात करेंगे इस कार्यशाला में। और यह कार्यशाला आपके परीक्षा और अध्ययन और जीवन तीनों के अंदर उपयोगी साबित होगी। तो मैं निवेदन करूँगा रंजीत जी और जगदीश जी सर से, एक बार परिचय दे दो इनका, भारतीय फाउंडेशन का परिचय, इंडिया में किस जगह काम करते हैं। पूरे भारत वर्ष में विद्यालयों और छात्रों के विकास के लिए और उनमें शैक्षिक उन्नति के लिए और शैक्षिक गतिविधियों के लिए कार्य करने वाली एक संस्था है, जो कि एडेड संस्था है। ये विद्यालयों में अनुदान देती है, छात्र छात्राओं के विकास के लिए भौतिक संसाधनों को उपलब्ध करवाती है और समय समय पर उनके शिक्षा में उन्नयन के लिए कार्यशालाओं का आयोजन करवाती है। और आप दोनों जोधपुर रीजन के अंदर हमारे देसुरी ग्रुप के अंदर काम कर रहे हैं, जो कि इस आज हमारे विद्यालय में समय प्रबंधन की कार्यशाला को लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। निवेदन करेंगे कि आप कार्यशाला को प्रारंभ करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जैसा कि मैं आपसे अभी अपने